से दमन स्टेशन वो है जहां पे अचानक से आने वाले हमले से खुद को सेफ कैसे किया जाए उसका डेमोंस्ट्रेशन दिखाते हुए। दोस्तों ताना सूरज बहुत सारे मेडल्स अपने देश के लिए उन्होंने जीत के लेकर आए हैं अपने देश में। दोस्तों हम बहुत गर्व महसूस करते हैं हमारे 57 बेसिक कोर्स में करत एसआई जो कराटे और ताइक्वांडो में अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बीच ताना सूरज जिन्होंने भी अपना डेमोंस्ट्रेशन दिखाया। दोस्तों अभी हमारे बीच में आ रहे हैं कराटे जिम का टीम का नाम है काटो टीम। जी हां दोस्तों एमटी हैं जो अपने फाइटिंग का प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों बिना हथियार के हथियारमंद दुश्मन को कैसे घरशाय किया जाता है उसका दुरुस्त नमूना दिखाने जा रहे हैं हमारे कैडेट एसआई। दोस्तों जोरदार तालियां, तालियां रुकना नहीं चाहिए। दोस्तों दोस्तों हमारे यहाँ पे तीनों कैडेट एसआई मौजूद है जिनका नाम है कैडेट एसआई कमल यकम जो साउथ एशियन गेम में कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट है। दोस्तों कैडेट एसआई चैलेंजर ना कि अपने स्टेट में बल्कि नेशनल मेडलिस्ट और इंटरनेशनल मेडलिस्ट है। दोस्तों कैडेट एसआई नित्य रनिंग जी है। दोस्तों ब्लैक बेल्ट कितने हासिल है सभी के और सभी इंटरनेशनल प्लेयर है। दोस्तों आज गर्व महसूस हो रहा है हमें क्योंकि हम इन सभी लोगों का यहाँ पे सामने डेमोंस्ट्रेशन देख पा रहे हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए इन लोगों के लिए। क्यों नहीं तालियां? दोस्तों बिना हथियार के हथियारमंद दुश्मन को धाराशाय करने की जो प्रक्रिया है उसका दुरुस्त नमूना दिखाते हुए कैडेट एसआई दमन यकम, कैडेट एसआई जयनम दतुम और कैडेट एसआई नित्य रानी। देख सकते हैं इनके स्टेप्स मूव्स, तालियां इनके लिए। दोस्तों हमारे बीच अभी आ रहे हैं सेल्फ डिफेंस के मूव्स को प्रदर्शन करने के लिए कैडेट एसआई बमन यकम। बमन यकम के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतजाम होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। जोरदार तालियां लोगों के लिए। दोस्तों सेल्फ डिफेंस के लिए जो अचानक से हुए गए हमले को कैसे रोकना पड़ता है उसका दुरुस्त प्रदर्शन करने वाले अभी हमारे बीच में कैडेट एसआई बमन यकम। बमन यकम साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट है। दोस्तों तालियां बजाकर ताली रुकनी नहीं चाहिए सबके लिए। हमारे सामने एशियन कराटे चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट ले चुके और ब्लैक बेल्ट डिग्री के होल्डर है। दोस्तों दोस्तों अभी हमारे सामने आ रहे हैं 360 डिग्री किक डेमोंस्ट्रेशन करने के लिए ताइक्वांडो प्लेयर्स सीएसआई ताना सूरज और पीएसआई क्रिस मो। दोस्तों जोरदार तालियां। क्या दोस्तों 360 डिग्री किक के सहारे अभी कम से होने वाले
इस मौके के लिए। अभी चैंपियन राउंड की और थ्री डिग्री डिरेक्शन किक के लिए हमारे सामने आ रहे हैं केरे बसाए मैथ्यू टेलर। दोस्तों जोरदार तालियां, मैथ्यू टेलर अपने स्टेट के चैंपियन प्लेयर है और नेशनल के मेडलिस्ट है। दोस्तों चैंपियन राउंड किक से अभी प्रेक किया जा रहा है। दोस्तों जोरदार तालियां। अभिमान सर, अभी हमारे पीछे मैथ्यू नेशनल मेडलिस्ट ले चुके हैं और प्लेयर खेल रहे हैं। दोस्तों मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जोरदार तालियां से मिले होते हैं। निकम चलन और केरे देसाई और रीना दादा जो इंटरनेशनल प्लेयर है और वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप दुबई 2013 और वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2014 जर्मनी में अपने देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। दोस्तों जो बात है जो कि आज हम यहाँ पे नेपाल के ग्रामीण बैठे रहे थे जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल के गोल्ड मेडलिस्ट विनर से सभी लोगों को अपने सामने देख पा रहे हैं जो कि अपना एक्सपीरियंस और डेमोन्स्ट्रेशन हमारे सामने देख रहे हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा उनके लिए तालियां जोरदार होती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। जी देखते काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है देने जा रहे हैं हमारे बीच केडेट एसआई ताना सूरज और प्रिंस जी। दोस्तों सफलता है मेहनत की पहचान और जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं। जो कि हमारे सामने बीच अभी सभी लोग आप देख सकते हैं इनकी डेमोन्स्ट्रेशन, इनकी मेहनत, इनकी कामयाबी। ये देश विदेश तक पहुंच कर आए हैं ये लोग। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान का नाम पूरे जहां में रोशन किया है। सूरज और केडे देसाई प्रिंस जो हाई किक के बदलत वुडन बोर्ड को अभी ब्रेक करने वाले हैं। दोस्तों तालियां गूंजने चाहिए। दोस्तों नहीं मिलता जिंदगी में हरदम कुछ करने का, जब भी मौका मिले कुछ करो ऐसा निशान बन Wait, what?
आप सभी के लिए पहले और मुख्य लोगों के लिए